हेलो स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोगों ने लास्ट का चैप्टर जो रियल नंबर मैंने पढ़ाया था वो कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, अब आज के इस चैप्टर में हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल्स में पॉली का मतलब होता है मैनी एंड नोमियल्स का मतलब होता है टर्म। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन जिसमें बहुत सारे टर्म हो दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। ठीक, अब पॉलिनोमियल्स में लास्ट क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में आप लोगों ने वेरिएबल पढ़ा था। अ सिंबल विच टेक्स एनी रियल वैल्यू इज नोन एज वेरिएबल। एग्जाम्पल्स लेटर ए बी सी एटसेट्रा डिनोट्स द वेरिएबल्स। देन कॉन्स्टेंट क्या होता है? अ सिंबल विच हैज फिक्स्ड वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज द कॉन्स्टेंट। राइट, 2, 5, 9, -9, -1/2 आर द कॉन्स्टेंट। देन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय ऑल और सम ऑफ द सिंबल प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन, ये सारे जहां पे होंगे। ठीक है ना? तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका एक एग्जाम्पल लें तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो इसमें ये 3 क्या है? ये कोफिशियंट ऑफ x है। ये x और y क्या है? x और y है वेरिएबल्स, जो हम लोगों ने अभी आगे पढ़ा था ना, ये है वेरिएबल्स। ठीक, 3 क्या है? कोफिशियंट ऑफ एक्स। 2 क्या है? कोफिशियंट ऑफ वाई। एंड 7 क्या है? 7 है कॉन्स्टेंट टर्म। ठीक है ना? अच्छा, अब देखो इसके एग्जाम्पल जो हम लोग देखते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं। तो 2a प्लस 5, यहाँ पे a वेरिएबल है, 5x माइनस 2 अपॉन वाई, x और y वेरिएबल्स हैं, p स्क्वायर 3pq प्लस q स्क्वायर, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। राइट, अभी देखो इस टॉपिक में हमारा कंटेंट क्या क्या है, हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, मिडिल टर्म, स्प्लिट मेथड। आई थिंक ये आप लोगों ने 9th में पढ़ा भी होता है, नहीं पढ़ा तो मैं आपको दोबारा एक बार बताऊंगी मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड क्या होता है। फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स भी बताऊंगी मैं इसमें। अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज वो आप लोग 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, स्टिल एक बार उनका रिविजन होगा। ठीक है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है? इट इज एन एक्सप्रेशन इन विच ऑल पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स आर होल नंबर। ठीक है, सबसे पहले तो पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें पावर्स होल नंबर के फॉर्म में हो। ठीक, अब ये देखो 3/2, एक्स टू द पावर क्या है? 3/2, पावर 3/2 है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। 9x² प्लस 5x प्लस 7, एक्स की पावर क्या है? 2, तो ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब यहाँ पे -3 होल नंबर में नहीं आता ना, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक, 7x² प्लस xy माइनस 5y² पॉलिनोमियल है। ठीक है, समझ में आया ना? देन √5m ये पॉलिनोमियल होगा क्योंकि रूट फाइव के ऊपर लगा है, m के ऊपर नहीं लगा। ठीक है, √x+9 ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x टू द पावर हाफ हो गया ना, इसलिए नहीं होगा। x टू जो पावर होना चाहिए वो होल नंबर के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, अभी ये देखो यहाँ पे ये x है ना 6y x, तो ये x टू द पावर -1 हो जाएगा, इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? अभी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन px ऑफ द फॉर्म px इज, ये देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है, a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस एंड सो ऑन anx टू द पावर n, जहां पे a0 a1 a2 a3 आर द कोफिशिएंट्स एंड x इज देखो वेयर a1 a2 a3 आर द रियल नंबर्स एंड ऑल आर द एंड ऑल द इंडेसेस ऑफ एक्स आर होल नंबर्स इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। राइट, ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। ओके, हियर a0 a1x a2x² आर कॉल्ड द टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, a0 a1 a2 आर कॉल्ड द वेरियस कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल px। राइट, अब इफ a0 a1 a3 a2 a3 ये सारे अगर इक्वल हो जाते हैं एंड इफ दे आर इक्वल टू 0, इट मीन्स ऑल द कॉन्स्टेंट आर 0, देन पॉलिनोमियल जो है वो रिड्यूस होके क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, एंड विच इज कॉल्ड द 0 पॉलिनोमियल, जिसको हम 0 पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, देन अ पॉलिनोमियल इन एक्स इज सेट टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म व्हेन द टर्म्स आर रिटन ईदर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इंडेक्सेस ऑफ एक्स। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि देखो अगर इसको वैसे लिखते हैं, अगर 3x²
माइनस 5x³ प्लस 2x माइनस 7x⁴। समझ में आया? ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होगा कि पहले x की पावर 4 हो, फिर x की पावर 3 हो, फिर x की पावर 2 हो, फिर x की पावर 1 हो, या इसका उल्टा, पहले पावर 1 हो, फिर पावर 2 हो, फिर पावर 3, फिर पावर 4, उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्या है देखिए, एग्जाम्पल्स, ये एग्जाम्पल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलीनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच इज नॉट। देखो ये दिया हुआ है, एक ही वेरिएबल है यहाँ पे x, ठीक है ना, देन m स्क्वायर प्लस रूट m, ये भी यहाँ पे भी एक ही वेरिएबल है m, देन यहाँ वेरिएबल क्या है, देखो a टू द पावर 1/2 आ गया, मतलब ये पहली पॉलीनोमियल नहीं होगा, ठीक है, समझ में आया है नहीं। अच्छा, यहाँ पे तीन वेरिएबल है, a भी एक वेरिएबल है, b भी एक वेरिएबल है और c भी एक वेरिएबल है, ठीक है, इज नॉट अ पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल, ये वन वेरिएबल का पॉलीनोमियल नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे a b c तीनों वेरिएबल्स हैं, राइट, पॉलीनोमियल तो है बट वन वेरिएबल का नहीं है। अच्छा, डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल क्या होती है, द डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल इज द लार्जेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, ठीक है, जैसे 4x, अब इसकी डिग्री क्या है, x की मैक्सिमम पावर क्या है यहाँ पे 1, तो डिग्री कितनी हो गई 1, 4x³ माइनस x प्लस 3, हाईएस्ट डिग्री क्या है 3, ठीक है ना, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो डिग्री क्या हो गई 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x⁵ माइनस x, हाईएस्ट पावर क्या है 5, तो डिग्री क्या हो गई 5। समझ में आया इतना, इतनी एग्जाम्पल समझ में आए। अभी टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री कितने कैसे होते हैं, देखो अगर डिग्री है 0 तो पॉलीनोमियल को बोलेंगे कांस्टेंट पॉलीनोमियल, ये है एग्जांपल, डिग्री 1 तो पॉलीनोमियल क्या होगा लीनियर एक्स प्लस 3, डिग्री 2 तो पॉलीनोमियल क्या होगा क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 तो पॉलीनोमियल क्या होगा क्यूबिक, डिग्री 4 तो वाई क्वाड्रेटिक। समझ में आया, मैं इसको एक बार बैक करके दिखाती हूँ आपको, देख लीजिए डिग्री 4 क्या हो गया बाई क्वाड्रेटिक, ठीक, समझ में आया। अच्छा, देन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, अगर एक ही टर्म होगा तो मोनोमियल, जैसे एक ही टर्म है, यहाँ पे 3x भी हो सकता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, यहाँ पे एक्स क्यूब भी हो सकता है, बट एक ही टर्म है तो मोनोमियल, दो टर्म है बाइनोमियल, जैसे ये दो टर्म है एक x और एक 3, ठीक है, तीन टर्म है ट्राइनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, तो एक टर्म हो गया एक्स स्क्वायर, दूसरा टर्म एक्स और तीसरा टर्म 2, ठीक है, इतना समझ में आया। अब जीरो पॉलीनोमियल क्या होता है, जैसे अगर एक पॉलीनोमियल दिया गया पी एक्स इज एक्स प्लस 3, ठीक है, तो जीरो ऑफ पॉलीनोमियल इज अ नंबर विच व्हेन सब्स्टिट्यूट इन द पॉलीनोमियल द वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल टर्न्स टू बी जीरो, मतलब हम एक्स की क्या वैल्यू रखें कि ये पी एक्स जो है पूरा टर्म जो है वो जीरो हो जाए, यहाँ पे हम एक्स की क्या वैल्यू रखें कि पी एक्स जीरो हो जाए, तो एक्स की जगह माइनस 3 रख दो हो जाएगा जीरो, है ना, x की जगह पे माइनस 3 रख दो तो 4x इज माइनस 3, px इज 0, तो x की वैल्यू माइनस 3 क्या हो गई, x की वैल्यू माइनस 3 हो गई 0 ऑफ द पॉलीनोमियल, राइट, ओके। एग्जांपल देखो, y माइनस 5 दिया है तो y की वैल्यू क्या रखें कि टर्म 0 हो जाए, y की वैल्यू 5 रख लो, 5 माइनस 5 0 हो जाता है, ठीक है ना, तो y इज इक्वल टू 5 क्या हो गया, 5 इज द 0 ऑफ पॉलीनोमियल qy, राइट, समझ में आया ये चीज, ठीक है। अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट, जीरो मे बी अ जीरो ऑफ पॉलीनोमियल, जैसे 7x दिया हुआ है, ठीक है ना, अब qx मतलब जो जीरो नंबर है वो भी क्या हो सकता है, जीरो ऑफ पॉलीनोमियल हो सकता है, x की वैल्यू जीरो पे ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है, एवरी लीनियर पॉलीनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो, जैसे ये लीनियर पॉलीनोमियल दिया है तो केवल यहाँ पे माइनस 5 रखेंगे तभी जीरो होगा, उसके अलावा नहीं होगा, ठीक है ना, जीरो ऑफ पॉलीनोमियल इज आल्सो कॉल्ड द रूट ऑफ पॉलीनोमियल, तो इस जीरो ऑफ पॉलीनोमियल को हम रूट्स भी बोलते हैं, जीरोस बोलो या रूट्स बोलो एक ही बात होती है, ठीक है, अ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल हैज नो जीरो, जैसे अब ये दिया है पी एक्स इज 7, ठीक है ना, अब ये कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल है तो इसमें कोई जीरो नहीं होगा, अब तुम इसमें क्या करोगे कि ये जीरो हो जाए, है ना, क्योंकि वेरिएबल ही नहीं है तो क्या करोगे, तो इसका कोई जीरो होगा ही नहीं, ठीक है। अब एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ जीरो पॉलीनोमियल,
अभी ये px is equal to 0 दिया है, तो हर रियल वैल्यू जो होगी वो इसके लिए 0 होगी, ठीक है। अब और अच्छा, ये जो छोटे छोटे मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, जो अभी आपका 10th के बोर्ड में जो 20 मार्क का वन लीनियर हो गया है ना, उसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये वन मार्क के क्वेश्चन में आते हैं, तो इनको ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि फॉर कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, तो कोई जीरो नहीं होता, ठीक है। इसके बाद ये पूछा जा सकता है दैट एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, इज इट ट्रू और फॉल्स, ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो, अब ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस फोर दिया है, अब जरा अगर एक्स स्क्वायर माइनस फोर को इक्वल जीरो करो तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अगर इसको, यानी अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस फोर को इक्वल जीरो करें, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है, फोर, तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा प्लस माइनस टू, तो एक्स की वैल्यू प्लस टू रखो तो भी जीरो आएगा, एक्स की वैल्यू माइनस टू रखो तो भी जीरो आएगा, तो इसके दो जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो अब एक पॉलिनोमियल के एक से ज्यादा भी जीरो हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, देन इसके बाद ये देखो, ये एग्जाम्पल दिया मैंने, उसके बाद ये आर एक्स इज टू एक्स माइनस सिक्स ये दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन क्या, टू फाइंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल शुड बी इक्वेटेड टू जीरो, तो टू एक्स माइनस सिक्स को इक्वल कर दो जीरो के, ठीक है। यहाँ से टू एक्स माइनस सिक्स को अगर हम इक्वल कर दें जीरो के, तो ये क्या हो जाएगा, टू एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा सिक्स, तो एक्स कितना हो जाएगा, सिक्स बाई टू दैट इज थ्री, तो x की वैल्यू 3 पे ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो इसका जीरो क्या हो गया, x इज इक्वल टू 3। ओके, समझ में आई ये चीज आप लोगों को, ठीक है। तो जीरो जब तो पॉलिनोमियल समझ में आया, ठीक, मैं इसके ये एग्जांपल्स लिख रही हूँ। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, तो x की वैल्यू माइनस वन बाई थ्री रख के देखो कि ये टर्म जीरो हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो जब हम इसको पुट करेंगे तो पी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, जीरो आ गई, इट मींस कि एक्स की वैल्यू माइनस वन बाई थ्री इज अ जीरो फॉर द पॉलिनोमियल पी एक्स, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पी एक्स इज इक्वल टू फाइव एक्स माइनस फाइव, ठीक है। तो अब देखो जरा हमें क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू, अच्छा हमें निकालना है इसकी वैल्यू 4 बाय 5 पे, तो यहाँ पे अगर हम 4 बाय 5 पुट करेंगे ना, p की वैल्यू 4 बाय 5, यहाँ पे ये दोनों टर्म्स गड़बड़ लिखे हुए हैं, तो आप एक बार इनको अवॉइड कीजिएगा, ये दोनों लाइंस को, ठीक है। अब देखो p की वैल्यू 4 बाय 5 रखो, तो यहाँ पे देखो px क्या दिया हुआ है, px दिया हुआ है 5x माइनस फाइव, ठीक है। तो p के x की जगह पे रखा हमने 4 बाय 5, तो p 4 बाय 5 कितना हो गया, 5 इंटू 4 बाय 5 माइनस पाई, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया और ये क्या हो गया, 4 माइनस पाई, तो क्या ये जीरो हुआ, ये जीरो नहीं हुआ, तो अगर ये जीरो नहीं हो पाया तो इट मींस p 4 बाय 5 इज नॉट अ जीरो फॉर दिस पॉलिनोमियल, ठीक है, समझ में आया, ओके। अच्छा, देन नेक्स्ट, 4 by 5 is not a zero of px. अभी px is lx plus m दिया हुआ है, x की value minus m by l रख के देखना है, तो x की value जरा minus m by l रखो, put किया हमने, answer देखो क्या आता है, zero, zero आ गया, इसका मतलब ये value satisfy करेगी, ये value एक zero होगी। ये another example, मैं screen पे डाल रही हूँ, आप देखिएगा, 3x square minus 1 दिया है, values put किया, 0 आ गया, that means minus 1 upon root 3 is a 0 of px. आप वीडियो को पॉज करके एक बार सॉल्यूशन देखो, नहीं समझ में आता है तो फिर आप मुझे बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर दूसरी वैल्यू पुट किया, ये 0 नहीं आ रहा, 0 नहीं आ रहा, 2 by upon root 3 में नहीं आता है, इसका मतलब 2 upon root 3 is not a 0 of px, ठीक है, समझ में आया ये चीज।
अच्छा अब रिमाइंडर थ्योरम मैं आपको नेक्स्ट जो भी लेक्चर पढ़ना बताऊंगी उसमें आपको रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पढ़ाऊंगी। टिल देन फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट करिए, उसके डाउट कमेंट सेक्शन में पूछिए, जो नहीं आता है वो बताइए, मैं वापस एक्सप्लेन करके दूंगी। बाय बाय बच्चों, पढ़ाई करते रहो, स्टे डिस्टेंसिंग, स्टे सेफ।